वेलकम दोस्तों, मैं हूं असद रफीक। आप देख रहे हैं स्मार्टली मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि नेक्स्ट हम आपके लिए जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट करेंगे, तो उसी सीरीज की आज ये फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी यूट्यूबर्स के लिए, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका चैनल बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है हमारे चैनल का नाम। दोस्तों, नाम ऐसा होना चाहिए जो कि हर किसी को आसानी से याद हो जाए। क्या दूसरे नंबर पे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, सेम नेम जो है हमारा ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना चाहिए। आपका चैनल है अगर नया है तो कल को वो ब्रांड बनेगा, लोग आपको सर्च करेंगे, तो मतलब किसी भी जगह सर्च करें तो आपका कंटेंट उधर होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर बात आती है यूज़र नेम की। आपका कोशिश कर रहे हैं कि सेम जो यूज़र नेम है वो ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, ताकि ये चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप इसे किसी के साथ शेयर करते हैं तो फिर भी ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आती हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में अपना जो हमारा यूज़र नेम होता है उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, कैसे उसे मतलब अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो YouTube हैंडल जो है वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका छोटा सा डेमो जो है वो दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, हम जो है अपना जो हमारा YouTube स्टूडियो है उसमें आ चुके हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, बेसिक इन्फो पे क्लिक करना, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो यूज़र नेम को क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे यूट्यूब में इसे हैंडल कहा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इधर हैंडल लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये स्मार्टली मार्केटिंग मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। तो इधर आके जो है आप अपना जो आपका यूट्यूब हैंडल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें, अगर आप वीडियो में लिंक देना चाहते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो है वो क्या करेंगे, youtube.com/@smartlymarketing लिखेंगे, तो आप उस लिंक को कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी को लिंक सेंड करते हैं, ठीक है, अपने चैनल का, तो वो हम कैसा होगा, तो दोस्तों वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये नॉर्मली हमारा लिंक है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद जो चीज़ आती है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्मार्टली मार्केटिंग का जो डैशबोर्ड है, ठीक है, ये ट्विटर, टिकटॉक, इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है उसे भी मैंने अपने जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने लिंक करके रखा हुआ है। ठीक है, लिंक इधर मैंने दिया। इसी तरह जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब का ना वो आपस में इंटरकनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो ऑडियंस हैं गूगल में आपको सर्च करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, यानी तमाम सोशल मीडिया पे जो है आपका सेम नेम से सेम अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, और आप अपना कंटेंट जो है वो आप अपडेट कर रहे हैं, तो गूगल के जो क्रॉलर्स हैं जब वो फेसबुक में जाएंगे, ठीक है, ट्विटर में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, तो चारों तरफ से जब आपका कंटेंट मिलेगा, ठीक है, कि मजबूरी होगी गूगल सर्च इंजन की आपके कंटेंट को फ्रंट पेज पे शो करवाना। तो दोस्तों, इसके अलावा एक जो मैंने बात आपसे की थी कि मैं आपसे एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा, एक ऐसी चीज़ आपसे शेयर करूंगा जिससे आपके जो व्यू हैं वो मतलब इंक्रीज होंगे, आपका जो चैनल है उसकी रैंकिंग हाई होगी। तो दोस्तों, सबसे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो होता है हमारा थंबनेल। जो कंटेंट जितना क्रिएटिव हो, जितना मर्जी अच्छा कंटेंट हो, जब तक उसका थंबनेल अच्छा नहीं होगा तब तक जो कोई भी विजिटर है, ठीक है, वो उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो जो हमारा थंबनेल है वो क्रिएटिव और उसमें ऐसी कैची चीज़ें होनी चाहिए ताकि कोई भी पर्सन है जब वो थंबनेल को देखे वो मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए। तो ऐसा क्रिएटिव हमारा थंबनेल होना चाहिए। अगर उर्दू में या हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका थंबनेल जो है वो हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में होना चाहिए। मतलब आप जो भी थंबनेल बनाएंगे
उस पर हिंदी और उर्दू लैंग्वेज दोनों में लिखा होना चाहिए, क्योंकि उर्दू जो है वो पाकिस्तान में भी समझी जाती है, इंडिया में भी समझी जाती है, लेकिन इंडिया में उर्दू जो है वो बोली और समझी तो जाती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको उर्दू लिखनी नहीं आती। तो इसलिए फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने इसमें यूट्यूब की कुछ टिप्स आपसे शेयर की हैं, ठीक है, इसका थंबनेल जो है वो सिर्फ उर्दू में बनाऊंगा। इंडिया से अगर इस टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं यूट्यूब के बारे में तो मेरा जो वीडियो है वो उसको शो होती है, तो अब उसे उर्दू पढ़नी नहीं आती तो वो मेरी जो वीडियो है उसे स्क्रॉल डाउन कर देगा। बेशक मेरी वीडियो मेरा कंटेंट उसके लिए हेल्पफुल हो, लेकिन उसे पता ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रही कि थंबनेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसे पता ही नहीं कि वीडियो किस टॉपिक पे है, तो क्या करेगा, वीडियो को स्क्रॉल डाउन कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके थंबनेल क्रिएट करना है। तो आप पूछेंगे कि अगर किसी को हिंदी नहीं आती या उर्दू लिखनी नहीं आती तो वो ये काम कैसे कर सकता है, तो दोस्तों इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये काम आप जानते होंगे, गूगल को गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके हम आसानी से जो काम है वो कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई, ठीक है, तो अपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे सदर फी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।